हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू विनायका इंस्टीट्यूट। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं अपने स्टूडेंट्स की डिमांड पर एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण शुरू कर रहा हूं। तो पर्यावरण की जो सीरीज है, इससे हमारे कम से कम भी 2 और 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण की। पर्यावरण क्या होता है? परि प्लस आवरण, यानी पृथ्वी का जो आवरण है ना, उसी को पर्यावरण कहते हैं। यदि हम डिटेल से बात करते हैं, हमें जो भी दिखाई देता है, जो भी हम महसूस करते हैं, वो सब पर्यावरण के क्या होते हैं? घटक होते हैं। वे पर्यावरण के कारक होते हैं, जैसे भूमि है, जल है, वायु है, पेड़ है, पौधे हैं, जीव जंतुओं का समूह है, ये सभी जो भी हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं, ये पर्यावरण के घटक होते हैं। पर्यावरण के घटक 2 प्रकार के होते हैं, एक जैविक होते हैं और एक अजैविक होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अजैविक के अंदर कौन सा आएगा? प्राकृतिक। प्राकृतिक अजैविक घटक कौन से रहेंगे? वायु, जल, थल, हवा। और अप्राकृतिक कौन से रहेंगे? जैसे सड़क है, भवन है, यानी मानव निर्मित जो भी थिंग्स है, वो हमारी किसके अंदर? अप्राकृतिक ये अजैविक घटक के अंदर आएंगे भाई। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे समय समय पर पर्यावरण, जैसे मतलब हमारा दूषित होता जा रहा है, तो विश्व लेवल पे और भारत के लेवल पे अलग अलग मतलब क्या इसके अंदर योजनाएं चलाई गई है, अधिनियम बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे इसके संरक्षण के लिए जो भी इसके बचाव के लिए नियम बनाए गए हैं, तो वो वैश्विक स्तर पर और भारतीय स्तर पर बनाए गए हैं। सबसे पहले जो वैश्विक स्तर पर बनाए गए हैं, तो उनके लिए हम बातचीत करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि हमें मतलब ये अधिनियम यह क्यों बनाने पड़ते हैं। इससे हमें बहुत नुकसान होता है, जैसे बीमारियां बढ़ती है, ठीक है, और जिस प्रकार से O3 हमारी ओजोन लेयर है, उसके अंदर छेद हो गया, जिससे कैंसर होने की उम्मीद है। वजह ये अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कि पर्यावरण के अंदर मतलब किरणें सीधी सूर्य की पराबैंगनी किरणें पहुंच जाती है, तो उनसे नुकसान पहुंचता है। तो उनके बचाव के लिए, शुद्ध जल के लिए, जल की मात्रा बचाने के लिए, वायुमंडल को स्वस्थ रखने के लिए ये एक्शन लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो वैश्विक स्तर पर सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, कहां पर? स्वीडन के अंदर हुआ था भाई, ठीक है। और तब से ही 5 जून 1973 से ही पर्यावरण दिवस मनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं ये मनाते क्यों हैं, ताकि लोग हमारे जागरूक हो जाएं और हर चीज को ध्यान से देखें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को कोई नुकसान ना हो। इसके बाद हम दूसरा बात करते हैं, पृथ्वी सम्मेलन हुआ रियो के अंदर। रियो के अंदर क्या होता है? पृथ्वी सम्मेलन होता है। कब होता है? 1992 में। और इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? UNFCCC, यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ फ्रेमवर्क, ये कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कोप क्या रहेगा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसकी पहली बैठक 1995 में बर्लिन में हुई थी, और हाल ही में इसके अंदर पोलैंड के अंदर इसकी 24वीं बैठक हुई। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए जैसे पर्यावरण जो है ना, ये हमारे मुख्य 4 घटक जल, जैव मंडल, स्थल और वायुमंडल से मिलके बने हुए हैं। और जैसे जल, स्थल और वायु से मिलने के बाद, यानी जहां पर ये 3 चीजें होती है ना, वहीं पर जीवन क्या होता है? संभव होता है। इसीलिए इसको जैव मंडल कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे, जैसे नंबर 3 पे आता है क्योरो प्रोटोकॉल। तीसरी जो मतलब इसकी योजना रहेगी कौन सी है? क्योरो प्रोटोकॉल है, जापान में 1997 में हुई थी भाई, ठीक है। और कार्बन क्रेडिट की विचारधारा सबसे पहली बार आई थी, जो कार्बन की मात्रा है उसके ऊपर ध्यान देने के लिए। नंबर 4 पे आता है मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में कनाडा के अंदर हुआ, और O3 यानी ओजोन परत जो है वो पतली पड़ गई और उसके अंदर छेद जैसे पाया गया, तो इससे संबंधित मतलब ये हमारी बैठक या समझौता हुआ था। कहां पर हुआ था? कनाडा के अंदर हुआ था। ये हमारी किसके अंदर? जो हमारी सबसे पहली सौर मंडल होता है उसके अंदर ये परत लगभग
ये 15 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है, और इसीलिए इसी वजह से 16 सितंबर को कौन सा ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय स्तर पर, भारत के स्तर पर मतलब क्या क्या चलाया गया है। 1985 के अंदर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया भाई, ठीक है, और इसी दिन जल मंत्रालय का गठन भी किया गया था। नंबर दो पे योजना कौन सी आई, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया भाई, ठीक है, क्या बनाया गया, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इसके बाद हम बात करते हैं 1988 में राष्ट्रीय वन नीति आई, जिसके तहत 33% वन भारत के अंदर होने चाहिए, लेकिन आज के दिन 24% ही वन भारत में पाए जाते हैं। इसके बाद 2002 के अंदर जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया भाई। इसके बाद 2002 में राष्ट्रीय जल नीति आई, और इसके बाद 2004 में पर्यावरण नीति आई। इसके बाद हम बात करते हैं 2010 में एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि ये एक न्यायालय है, किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित, इसकी स्थापना दिल्ली के अंदर की गई, और वर्तमान में इनके अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल रहेंगे। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेज की। इम्पोर्टेंट डेज 2 फरवरी को विश्व भूमि नम दिवस मनाया जाता है, विश्व वन दिवस को मनाया जाता है 21 मार्च को, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, और जैव विविधता पे मैं अलग से टॉपिक भी बनाऊंगा। इसके बाद हम बात करते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को O3 यानी कि ये अपनी ओजोन परत दिवस ये बनाया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, जो पर्यावरण से संबंधित जानकारी थी वो समाप्त हुई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।